In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today we will talk about BS Vision Science, about Optometry. We will talk about Optometry offered different names. Doctor of Optometry, Vision Science, Clinical Ophthalmology, BS Optometry. We should go to which field? Do we need to go to Doctor of Optometry? Do we need to take admission BS Optometry or Clinical Ophthalmology? Do we need to select which program? किसका ड्यूरेशन क्या है, किसका कमाल क्या है, किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं, जिस तरह की अगर बीएस डाइटेशन की बात की जाए, बीएस डाइट एंड न्यूट्रिशन, अब इस फील्ड को भी कई नाम से ऑफर किया जाता है, जिस तरह बीएस डाइट एंड न्यूट्रिशन, बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, डॉक्टर ऑफ डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, मुख्तलिफ नेम्स हैं। इसी तरह अगर बात की जाए एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसको मेडिकल लैब साइंसिस के नाम से ऑफर किया जाता है, क्लिनिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी के नाम से ऑफर किया जाता है, क्लिनिकल लैब साइंस के नाम से ऑफर किया जाता है, मुख्तलिफ नेम्स हैं। इसी तरह वो फील्ड एक ही होती है, नेम मुख्तलिफ होते हैं। आई एम आल्सो फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बीएस ऑप्टोमेट्री। अब जो बीएस ऑप्टोमेट्री है, आपको जब डिग्री मिलती है वो एक ही होती है, बीएस ऑप्टोमेट्री। अब यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं इसलिए डॉक्टर ऑप्टोमेट्री में एक डॉक्टर लगेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। एच ई सी की तरफ से ऑफिशियली ये चीज़ बैन हो चुकी है, डॉक्टर ऑप्टोमेट्री बैन हो चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि डॉक्टर ऑप्टोमेट्री करवाती हैं, लेकिन ये टोटली तौर के ऊपर बैन है और डॉक्टर आपके नेम के साथ नहीं लगता। डिग्री वही है, आपका एक साल ज़ाया ज़रूर हो सकता है, ये आपको मैं कह सकता हूँ कि एक साल आपका एक्स्ट्रा ज़रूर लग सकता है, एक्स्ट्रा फीस आप पे ज़रूर कर सकते हैं, डिग्री में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है जी। अब जो डॉक्टर ऑप्टोमेट्री है ये 5 साल की है, बीएस ऑप्टोमेट्री है 4 साल की है, वीएन साइंस 4 साल का है, क्लिनिकल ऑप्थोमोलॉजी कुछ यूनिवर्सिटी में 5 साल की है, कुछ यूनिवर्सिटी में 4 साल की है। तो प्रोग्राम ये सारा एक ही है, एक ही प्रोग्राम है, मुख्तलिफ नेम जो है ऑफर किए गए हैं, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन भी सेम है, इसकी जॉब सेम है, इसका वो जो टाइटल मिलता है आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट का वो भी सेम है, नेम डिफरेंट है, फील्ड ये एक ही है, आँखों की ये फील्ड है। इसके नेम 4 हैं, वीएन साइंस, बीएस ऑप्टोमेट्री, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, क्लिनिकल ऑप्थल्मोलॉजी, एक ही फील्ड है ये, ठीक है। तो ये है, ये अलाइड हेल्थ साइंसिस के अंडर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट फील्ड। और यहाँ पर याद रहे कि डॉक्टर नेम के साथ डॉक्टर लगना ही लाजमी नहीं है। अगर आप बात करें एक कार्डियोलॉजिस्ट की जो एमबीबीएस करता है फिर एफसीपीएस करता है, एमबीबीएस वो सारी जनरल स्टडी पढ़ता है, और जब एफसीपीएस करता है उसमें वो आप सेलेक्ट करता है कि मैंने हार्ट की स्टडी करनी है, तो आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से पूछेंगे हु आर यू, तो वो ये नहीं कहेगा कि आई एम डॉक्टर, वो बताएगा कि आई एम कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कि हर बंदा अपने प्रोफेशन की जो है ना वो पहचान दिलवाता है, आई एम डर्माटोलॉजिस्ट, आई एम स्किन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर तो सारे होते हैं। और अगर बात की जाए तो डॉक्टर अब इस तरह एक कार्डियोलॉजिस्ट है जिसने इतनी ज़्यादा तालीम और इतना एक्सपीरियंस हासिल किया है, इसके मुकाबले में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, अब फार्मेसी तो डॉक्टर तो लेवल सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लिहाजा हर बंदा अपने प्रोफेशन से ऊपर या नीचे है, और स्कोप फील्ड में नहीं, स्कोप बंदे में है। बंदा स्कोप वाला है तो कुछ भी करता है, हर जगह जगह बना सकता है अपने हर फील्ड में, अगर बंदा स्कोप वाला नहीं तो वो डाउन है, ठीक है जी। तो डॉक्टर नेम से लगना लाजमी नहीं है, आपका प्रोफेशन लगना लाजमी है, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट, आई एम डर्माटोलॉजिस्ट, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट, आई एम, यानी जो भी आपका प्रोफेशन है। तो इसलिए और पाकिस्तान के अंदर या हर बंदे को तो नहीं पता कि डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन नहीं है, हर बंदे का अपना प्रोफेशन है। मेडिकल साइंस को जानना ये हर बंदे का काम भी नहीं है, ये डॉक्टर्स को भी पता होता है कि कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर नहीं है। प्रीफिस, अब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी की बात की जाए वो भी बैचलर डिग्री है, लेकिन वो प्रीफिस डॉक्टर लगाते हैं अपने नेम के साथ, हालांकि डिग्री तो वो भी बैचलर है। इसी तरह जो है मैंने एट द एंड ये भी इन शॉर्ट में ये बता दूं कि नेम का डॉक्टर लगना लाजमी नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होता कि डॉक्टर नहीं लगेगा तो हम इस फील्ड में नहीं आएंगे। आप अपने फील्ड को इंतखाब करें और अपने शोबे का इंतखाब करें, अपने शोबे के साथ जो आपको नाम टाइटल मिलता है ऑप्टोमेट्रिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट वो साथ रखें, दैट इज़ टू बेटर देन कि आपके नेम का डॉक्टर लगे। पाकिस्तान में तो सारे डॉक्टर होते हैं, अब आम बंदे को तो नहीं पता कि ऑप्टोमेट्रिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये क्या है। आम बंदे की नज़र में हर बंदा डॉक्टर है, और आप डॉक्टर हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आप डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये ऑप्टोमेट्री के इतने ज़्यादा नेम ऑफर किए जा रहे हैं, इनमें से बेहतरीन प्रोग्राम कौन सा है, तो ये सारे ही बेहतरीन हैं, नाम चेंज है, डिग्री एक ही मिलती है। ये गुफ्तगू थी, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हमारा इना अलबलगुल मुबीन, थैंक यू।